हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? तो मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी अपने अपने घरों में अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो एक बहुत ही खास वीडियो है, क्योंकि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो मुझे ना काफ़ी पहले रिक्वेस्ट आई हुई है, फुल फेस कवर होम क्लीनिंग व्लॉग। तो इसके ऊपर मुझे ना टाइम नहीं लग पा रहा था वीडियो बनाने का, मतलब टाइम तो लग गया था, एक बार मैंने बना भी ली थी, लेकिन फिर ना वो गलती से डिलीट हो गई थी। तो अभी सुबह का टाइम है, सुबह तो क्या मतलब दिन होने वाला है, अभी 10:30 हो चुके हैं। तो मॉर्निंग में जो मेरा होता है ना सुबह का नाश्ता, और दिन के लिए भी हम सुबह ही बना लेते हैं गांव में लंच, हमारे ना स्पेशल दिन को नहीं बनते। जैसे अगर चावल बनाने हो ना तो चावल ही बनते हैं बस दिन में ताज़े उसी टाइम, बाकी हम चपातियाँ बना देते हैं सुबह ही। तो सुबह का जो मेरा काम किचन का वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन थोड़ी सी जो किचन की क्लीनिंग है वो बचती है। तो चलिए आपको मैं वही दिखाऊंगी, और भाई जैसा है वैसा ही दिखा सकती हूँ मैं, क्योंकि हमारे पुराने टाइम में भी बुज़ुर्ग कहते थे कि घर और मुंह हमेशा अपना ही दिखाया जाता है, किसी और का नहीं दिखाया जाता। तो आई होप कि ये आपको अच्छा लगे। और हमारा जो ये घर है ना, ये 150-200 साल पुराना है, तो इसकी कंडीशन ऐसे तो मतलब ठीक है, पक्का है, बट जैसे आजकल के नए घर है ना चमक धमक वाले, वैसा नहीं है। तो घर तो घर होता है भाई, और अपना घर सभी को अच्छा लगता है। क्लीनिंग स्टार्ट करने से पहले जो कोई भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि मुझे कहा गया था कि आपको दुपट्टे से पहले फेस कवर कर लेना है, तो इसको मैं पहले कवर कर लेती हूँ। तो ये देखिए मेरे पास दुपट्टा है, इससे मैं फेस को जो कवर कर लेती हूँ अच्छे से पहले। और वैसे तो मैंने मॉर्निंग में ही झाड़ू लगा दिया था बाहर हमारे आंगन में, लेकिन अभी अब दिखाने के लिए आपको फिर से कर दूँगी, कोई बात नहीं। और वैसे भी आजकल इतनी ज़्यादा हवा उड़ती रहती है ना। हाँ जी गाइस, तो क्लीनिंग की शुरुआत कर रही हूँ मैं बाहर बरामदे से, क्योंकि हमारे गांव में क्या होता है ना कि कभी भी कोई भी चला आ जाता है मतलब गांव से बैठने के लिए, और फिर बाहर अगर आपके कूड़ा हो, अच्छा सा झाड़ू ना लगा हुआ हो तो अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले बाहर ही झाड़ू लगाती हूँ मैं। वैसे तो सुबह भी एक बार लगाया हुआ है झाड़ू, लेकिन आजकल पता क्या है, आजकल बहुत हवा चलती है और बाहर से सारा ना धूल मिट्टी कूड़ा उड़ के अंदर आ जाता है। तो मुझे ब्लॉग भी बनाना था तो मैंने दोबारा से फिर लगा दिया था। और यहाँ जो ये बच्चों के स्टडी टेबल है ना, इसके नीचे बहुत सारी धूल इकट्ठी हो जाती है। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं ये झाड़ू पहले बाहर वाला लगा लेती हूँ, और उसके बाद मुझे आंगन में भी झाड़ू लगाना है, थोड़ा थोड़ा आंगन का भी मैं दिखाऊँगी। तो वैसे तो गाइज हमारा जो घर है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन हर कमरे में ना अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं, तो पूरे कंप्लीट घर का अगर मैं क्लीनिंग ब्लॉग बनाऊँ तो 3-4 ब्लॉग में पूरा होगा। तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने बाहर का झाड़ू लगा दिया था, और उसके बाद हमारे 3-4 दिन पहले एक आए थे घर में, गांव के ही थे वो, गेस्ट ही बोल सकते हैं उनको। तो वो उनको यहाँ पे हमने रात को बिस्तर यहाँ पे लगाया था, तो मैं इस कमरे में आ ही नहीं रही थी 3-4 दिन से, टाइम नहीं लग रहा था मुझे। और अभी यहाँ पे इसको इकट्ठा कर दूँगी मैं, और साथ में यहाँ पे थोड़ा झाड़ू भी लगा दूँगी। तो ये कमरा भी जो है ना, ये हमारे बाहर से डायरेक्ट मतलब खुला ही है, अंदर को खुला तो क्या मतलब दरवाज़ा तो है इसमें, लेकिन बाहर जैसे धूल मिट्टी उड़ती है ना हवा से, तो वो सारी यहाँ पर आ जाती है उड़ के। और ये ऐसे ये स्टोर टाइप नहीं, मतलब यहाँ पे हमने बिस्तरे रखे होते हैं अपने, थोड़े बहुत जो बेड बॉक्स में से बच जाते हैं वो यहाँ साइड में रखे हुए हैं बेड पे ही। और जैसे 3-4 कोई ऐसे मेहमान आ जाते हैं अगर, तो यहाँ पे 2 डबल बेड लगे हुए हैं उनके लिए। तो अभी यहाँ पे मैंने बाहर थोड़ा सा, ये देखिए कितने ज़्यादा पत्ते उड़ के आते हैं ना हमारे, बहुत ज़्यादा पत्ते उड़ के आ जाते हैं, तो थोड़ा सा काउ शेड के पास को भी मैं साफ़ कर देती हूँ। मम्मी यहाँ बैठे हुए हैं, साथ में एक गांव के भी आए हुए हैं, जैसा कि मैं बोल रही थी कि गांव से कोई ना कोई आता रहता है। तो इसके बाद अब आती है बारी किचन की। तो किचन में वैसे एक बारी सुबह ऑलरेडी झाड़ू लगा हुआ है, क्योंकि बिना झाड़ू लगाए हम खाना नहीं बनाते, लेकिन दोबारा क्योंकि कच्चे घर है ना, ये कच्चा मकान है, तो जिनके कच्चे घर हैं उनको पता होगा कि इसमें कितना ज़्यादा कूड़ा कबाड़ हो जाता है। और साथ में देखिए अभी मैंने यहाँ पे फिर से झाड़ू लगा दिया इसमें, और अब देखिए ये है हमारा चूल्हा।
तो मिट्टी के चूल्हे की लिपाई करना बहुत ज़रूरी होता है, और लिपाई किए बिना हम खाना नहीं बनाते जूठे चूल्हे पे। तो अभी देखिए कितना काला हो जाता है ना ये, और ये देखिए उपले लगाए होते हैं हमने इसके ऊपर, उचले बोलते हैं हमारे भी इसको। एक तो होते हैं ना जो गोबर के बनते हैं जलाने के लिए, इसको हमारे उचले बोलते हैं। तो मिट्टी और पानी और गाय का गौमूत्र भी होता है इसमें डाला हुआ कई बार, उससे ना पक्का रहता है चूल्हा और फिर शुद्ध भी हो जाता है। और गाय का जो गौमूत्र होता है ना वो बहुत सारे कीटाणुओं को भी मारता है। तो अभी यहाँ पे चूल्हे की क्लीनिंग में भी लग गई हूँ मैं। जैसे गैस चूल्हा साफ़ होता है ना, वैसे इस चूल्हे की भी सफाई होती है 2 बारी दिन में। तो गांव में हमारे ज़्यादातर आजकल चूल्हा ही जलता है, क्योंकि ठंड बहुत है, सर्दी के दिन है। तो वैसे तो हम तो गर्मियों में भी बहुत जलाते हैं चूल्हा। और अभी देखिए यहाँ पे इसकी क्लीनिंग भी मैंने कर दी है यहाँ पे, और उसके बाद मैं बाकी का काम जो होता है हमारे किचन का वो भी मैं करूँगी। जैसे कि मैंने अभी बर्तन नहीं धोए हैं मॉर्निंग जो ब्रेकफास्ट के थे, पहले मैं यही क्लीनिंग लग गई थी करने में, क्या फिर बाद में ही धोऊंगी बर्तन। तो चूल्हे की क्लीनिंग के बाद अब आती है बारी गैस चूल्हे की क्लीनिंग की। तो जो गैस है उसको भी मैं साफ़ करने लग गई थी यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे किचन में शेल्फ है एक, उस पर हमने गैस चूल्हा लगाया हुआ है। तो ये बहुत ही पुराने टाइम की किचन है, और अभी हमारी नई किचन जो है वो पूरी तरह से बन के रेडी नहीं हुई है, लेकिन अभी मुहूर्त भी नहीं है मतलब नए किचन में जाने का, तो वो अप्रैल के बाद ही होगा। तो तब तक तो आपको यही दिखने वाला है मेरी वीडियोस में। और यहाँ पे गैस चूल्हा मैंने जो है वो अच्छे से साफ़ कर लिया है, साथ में यहाँ पे शुगर और टी के डब्बे भी रहते हैं, तो यहाँ पे भी मैं थोड़ा साफ़ कर देती हूँ। और जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ तो सार्थक यहाँ पे बातें कर रहा है, और ये देखिए कैसे चमचमा रहा है जो चूल्हा है इसको। इसका ना पता क्या है, ये खासियत है कि ये साफ़ करने के बाद ना बहुत ही अच्छे से चमचमाने लग जाता है, और है काफ़ी पुराना वैसे ये गैस जो चूल्हा है ना। तो बस अभी किचन क्लीन करने के बाद जो नए वाले मकान में मेरा एक कमरा है वहाँ पे पहुँच गई हूँ मैं। और यहाँ पे इसके पापा, नैना के पापा नैना, इन्होंने वैसे ही बिस्तर नहीं उठाया हुआ होता है, तो अभी देखिए यहाँ पे मैं बिस्तर उठा लेती हूँ। साथ में धैर्य भी आया हुआ था मेरे साथ, तो ट्राइपॉड पकड़ने के लिए ना, क्योंकि जो हम ट्राइपॉड डाउन में रखते हैं उससे अच्छी नहीं आती वीडियो, तो इसने पकड़ी हुई थी यहाँ पे, तो अच्छे से आई है यहाँ पे। नहीं तो कहीं पे वीडियो में मैं आधी आई हूँ, कहीं पे सिर उड़ गया तो कहीं पे पैर उड़ गए, इस तरह से आता है, क्योंकि हम खुद नहीं देख सकते ना, कोई देखने वाला तो चाहिए। और यहाँ पे अभी था ये, और मैंने इसको बोला था कि तब तू चला जा और सार्थक के पास। मैंने सार्थक को नीचे छोड़ा है आंगन में, वहाँ पे धूप में छोड़ा था। तो बस यहाँ पे भी मेरे जो रूम है इसकी क्लीनिंग भी हो गई थी, क्योंकि इस कमरे में बहुत कम ही आना होता है, और यहाँ पे ये इतना गंदा नहीं होता। तो बस अभी देखिए इसकी क्लीनिंग अच्छे से हो गई है, और बेड के नीचे तो काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी कूड़ा निकल ही जाता है, क्योंकि आजकल हम पोछा नहीं लगाते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। मैं तो नहीं लगाती हूँ आजकल, क्योंकि आपको पता ही है कि छोटे बच्चे को कितनी ठंड लगती है ना, अगर हम ठंड में बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो। तो जब तक अभी मेरा बच्चा छोटा है तब तो मैं आजकल सर्दियों में नहीं लगा रही हूँ पोछा, तो बस झाड़ू ही लगाया है मैंने। और मेरा छोटा सा क्लीनिंग का व्लॉग यही है। तो गाइज यही था मेरा होम क्लीनिंग का छोटा सा व्लॉग, और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और जो कोई भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, और बाय बाय।